वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बाय टुमारो। तो आज इस वीडियो में हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे ट्रिक के साथ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमारे बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का। हम कैरम खेलते हैं ना, हम बाएं हाथ से कैरम खेलेंगे। चलो कैरम बाद में खेलेंगे, पहले ये बताओ कि कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में? 6 कार्बन। चलो मैंने ये एक वर्टिकल लाइन बना दिया। अब फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में होता है CHO, तो ये फिशर प्रोजेक्शन है, नीचे लगा दिया CH2OH। काइरल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में? 4। तो ये मैंने लगा दिया सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम अपना बाया हाथ लेंगे और कैरम खेलने की कोशिश करेंगे। तो कैरम ऐसे खेलते हैं ना, खेले हो आप लोग? बहुत खेले हो। तो ये जो 3 बाहर उंगलियां मुझे दिख रही है वो सारे के सारे OH ग्रुप है, तो लगा दो। ये पहला काइरल कार्बन, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो दूसरे के ऊपर बस यहाँ पर OH नहीं है, बाकी 1, 3, 4 के ऊपर OH है। तो यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर लगा दो OH एंड यहाँ पर लगा दो OH। इसका मतलब यहाँ पर बनेगा H। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के साथ एक साइड अगर OH लगा है तो दूसरी साइड H होगा। यहाँ पर H है तो यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH है तो ये H होगा, OH है तो H होगा। तो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। अब ग्लूकोज आपको मालूम है, ग्लूकोज में D एंड L नोमेनक्लेचर होता है, कैपिटल D एंड कैपिटल L। तो कैपिटल D L नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? ग्लूकोज के कार्बन को पहले नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नंबर है ना। फिशर प्रोजेक्शन में हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन जो रहता है वो ऊपर रहता है, तो ऊपर से नीचे तक हमने नंबर दे दिया। अब काइरल कार्बन की बात करें तो ये काइरल कार्बन पहला, ये काइरल कार्बन दूसरा, ये काइरल कार्बन तीसरा एंड ये काइरल कार्बन चौथा। तो ऐसा काइरल कार्बन जिसका हाईएस्ट नंबर है उसके ऊपर आपको देखना है। तो हाईएस्ट नंबर वाला काइरल कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पर क्या है? OH। कहाँ पर है? राइट साइड में। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? डी ग्लूकोज का। अगर ये OH यहाँ पर लेफ्ट साइड में होता तो मैं क्या लिख देता? एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। लेकिन एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो सिर्फ इस काइरल कार्बन के ऊपर आप इस एच एंड OH का पोजीशन चेंज करके नहीं बना सकते हो। अगर आपको एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ पर CHO लगा है, यहाँ पर CH2OH लगा है। अब 4 काइरल कार्बन, 1, 2, 3 एंड 4, इसका आपको लेना होगा सेल्फी, मिरर इमेज बनाना होगा, तब जाके बनेगा एल ग्लूकोज। तो ये OH राइट साइड में है तो यहाँ लेफ्ट साइड में H, फिर OH, फिर OH। तो ये बना H, ये बना H, ये बना OH एंड ये बना H। तो ये स्ट्रक्चर जो है एल ग्लूकोज का है, गलती मत कर देना, क्लियर। सारे के सारे काइरल कार्बन के कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा तब बनेगा एल ग्लूकोज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। पसंद आया है तो लाइक करना है, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक जरूर करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और मुझे कैसे बनाना है वीडियो।